हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस डिटरमिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्राइस डिटरमिनेशन। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर इससे पहले भी मैं दो वीडियोज बना चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देखने के बाद आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। In today's class, we are going to talk about that when there is a change in market demand, even though the topic's name is when there is a change in market demand and market supply, we are talking about the very first case in which we need to explain the chain of effects when demand changes. जब demand change होती है, to be very precise, when demand increases. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब demand increase होती है तो market equilibrium पर क्या फर्क पड़ता है, क्या impact जो है वो होता है। So as you can see, demand changes. तो यहाँ पर बात करते हैं rise in demand and no change in supply. So I'm just telling you this thing right now कि demand हमारी जो है वो rise हो रही है, but यहाँ पर supply जो है rise हो रही है demand, but यहाँ पर supply में कोई change नहीं है, no change in supply. तो मतलब supply का जैसे कि एक upward sloping supply का होता है, supply का बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और ये मैं आपको just पॉइंट्स में मैंने थोड़ा सा इसको ब्रेक करके आपको बता दिया है। और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगी, राइट वर्ड शिफ्ट यहाँ पर होता है, देखने को मिलता है। लेबलिंग आप खुद कर सकते हैं, प्राइस वाई एक्सिस पे लिया जाता है और डिमांड जो है एक्स एक्सिस पे ली जाती है। अब अगर यहाँ पर बात करें सप्लाई की तो प्राइस वाई एक्सिस पर, और अगेन क्वांटिटी जो है मैं क्वांटिटी यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे हम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई लिखते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि भाई डिमांड राइज होती है, बट यू पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइज इन डिमांड। डिमांड राइज क्यों होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहला रीजन मैं एक चीज बता दूं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी काफी बच्चे जो है ये मिस करते हैं, गलती करते हैं, नंबर नहीं मिलते हैं फिर बाद में। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये प्राइस की जो मैं बात कर रहा हूँ तो इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। सो सबसे पहला रीजन होता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर लेट्स से प्राइस आप की जो कमोडिटी है वो है टी, और मान लीजिए प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से लोग टी की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, एग्जांपल देके बताया है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो एक साथ यूज किए जाते हैं, कार एंड पेट्रोल आप कह सकते हैं। तो अगर पेट्रोल महंगा होता है तो कार जो है उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम राइज होती है तो डिमांड भी राइज होगी। फेवरेबल टेस्ट अगर आपका होता है तो डिमांड राइज होगी। एक्सपेक्टेड राइज इन द प्राइस, फ्यूचर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो उस केस में भी आपकी करंट डिमांड जो है वो राइज हो सकती है। तो दीज आर द रीजन स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन समझना चाहें कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द बायर ऑफ अ नॉर्मल कमोडिटी ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है दैट मार्केट ऑफ अ कमोडिटी इज इन इक्विलिब्रियम एंड देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ अ कमोडिटी, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम। इसी टर्म में जो है इन्हीं से रिलेट करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप करते हैं, ये एक जनरल जनरलाइज स्टेटमेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को आप करते हैं तो इनिशियल इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आप ये डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले जो एक इक्विलिब्रियम को शो करता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे इसको ट्रिम करके भी लिख देते हैं, तो अगर आप ट्रिम करके लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं, इट्स ओके। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये मार्केट इक्विलिब्रियम है पॉइंट ई पर। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल होती है। इन द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम में हमने जो है क्या किया है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड एक्स एक्सिस पे ली है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया हुआ है। एंड उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए कि डीडी जो यहाँ पर डीडी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज डीडी डिमांड कर्व। डीडी इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व विच इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, विच इज शोइंग नेगेटिव रिलेशनशिप
बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी. थोड़ा सा मैं यहाँ पर जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, हर कहीं यूज होगी, आपने इससे पहले भी यूज कर रखी है ये स्टेटमेंट. एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, उसके बाद एसएस को एक्सप्लेन कीजिए. एसएस कैसा कर्व है? सो एसएस बेसिकली एसएस इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व व्हिच इज लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग. ये देखिए ऊपर की लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, और इट इज शोइंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. यहां तक आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया. इसके बाद आप यहाँ पर बताइए द पॉइंट वेयर डीडी, जहां पर डीडी और एसएस डिमांड और सप्लाई, डिमांड कर्व मार्केट डिमांड कर्व एंड एसएस यानी कि मार्केट सप्लाई कर्व, तो ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इट इज डिपिक्टेड बाय पॉइंट ई. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पॉइंट ई है, मार्केट इक्विलिब्रियम है. कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो है ओ क्यू, ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है OQ, this quantity, this is equilibrium quantity, and the corresponding price OP, ये वाला price यहाँ पर, this is equilibrium price. ये आपको हर बार explain करना ही करना पड़ेगा. Even यहाँ पर आप इसको ये और कर दें, original market supply curve कर दें आप, तो ज़्यादा better रहेगा यहाँ पर. और यहाँ पर आप कर दें demand में market demand curve, original market demand curve, market demand curve. ये आप कर दें तो ज़्यादा clear रहेंगी चीजें. क्योंकि मार्केट की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव डिमांड की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव सप्लाई की बात कर रहे हैं. तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन कॉमन रहने वाली है. इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं व्हेन देयर इज अ राइज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली. तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर. व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज इन डिमांड होता है, पीछे मैं पहले से बता चुका हूँ, अगर इंक्रीज इन डिमांड होगा तो इस तरीके से ये जो लाइनिंग जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अभी, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं. डीडी आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर D1 हो जाता है. मार्केट डिमांड कर्व की बात कर रहा हूं, पढ़ लेते हैं. व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज इन डिमांड होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो डिमांड कर्व में देखने को मिलता है. हम कंसिडर कर रहे हैं देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, क्योंकि हम सिर्फ डिमांड की डिमांड में चेंज की बात करें, डिमांड के चेंज होने की बात कर रहे हैं. विद इंक्रीज इन डिमांड ये हो सकता है, रीजंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ. अदर फैक्टर्स लाइक इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिटेल में मैंने आपको ये बताया है. जब भी इस तरीके का इंक्रीज होता है, इंक्रीज जब होता है, तो यहाँ पर डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके से एरो बनाइए, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है यहाँ पर, D1 हो गया है. क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, ये समझने वाली बात है. तो इसका इम्पैक्ट जो है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ अभी. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर सो दैट आपको अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ कि मैं किस पॉइंट पर और कहाँ बात कर रहा हूँ. सो व्हाट हैपेंस हियर कि जब आपके डिमांड इंक्रीज हो गया तो आपका डीडी जो है यहाँ पर आ गया, D1 आप देख सकते हैं. अब इससे क्या हुआ, इनिशियल इक्विलिब्रियम वगैरह हम पहले बता चुके हैं इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में, तो उसकी बात नहीं करेंगे. यहां पर क्या होता है, ये जो सेम प्राइस पर आपकी डिमांड जो है नए मार्केट डिमांड कर्व D1 को कट करता है, सेम प्राइस पर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. जैसे पहले आपकी डिमांड थी यहां से ओ क्यू के इक्विवेलेंट, अब आपकी डिमांड जो है इंक्रीज होकर ओ क्यू टू हो गई है. इस तरीके से आप ऊपर भी देख सकते हैं, सेम प्राइस पे पी आर के इक्वल आपकी डिमांड हो गई है. दिस इज योर पॉइंट पी एंड दिस इज योर पॉइंट आर. तो पी आर के इक्वल, पी आर इज इक्वल टू पी ओ क्यू टू, बेसिकली ये ओ क्यू टू इसके बराबर हो गई है. आई होप आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं है. यहाँ पर ये डिमांड इंक्रीज होने की वजह से ये एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर इसको डिपिक्ट करने के लिए कि ये Q2 है. अब यहाँ पर क्या होता है, सो दिस रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड. इससे क्या होता है, एक्सेस डिमांड हो जाती है Q2 की, क्योंकि पहले OQ तो था ही, OQ डिमांड थी हमारे पास यहाँ पर, ये अब ये इतना बढ़ गई है यहां से, ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है Q2 ये इंक्रीज हो गई, तो यहां पर क्या करेंगे, सो देयर विल बी एक्सेस डिमांड एट द सेम प्राइस ओपी, सो देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग बायर्स. एक चीज याद रखिए, जब डिमांड की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन बायर्स में होगा, कंज्यूमर्स में होगा, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं. एक्सेस डिमांड है, सप्लाई जो है गिवन है, OQ के बराबर ही है, डिमांड ज्यादा हो गई है, बायर्स से आई विल परचेज, आई विल पे मोर. तो यहां पर क्या होगा, जब कंपटीशन होगा बायर्स में, इट विल लीड टू प्राइस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस विल टेंड टू इंक्रीज. यहाँ पर ये चेन इफेक्ट है सारे के सारे, आप इसको जरूर समझें. एग्जाम में काफी बार बोला जाता है कि एक्सप्लेन द चेन इफेक्ट, तो
चेन इफेक्ट्स को समझा रहा हूँ मैं आपको। ये पहले क्या हुआ, एक्सेस डिमांड हुई सेम प्राइस पर, देन दैट लेड टू द कंपटीशन अमंग द बायर्स, एंड कंपटीशन की वजह से प्राइस राइज हुआ। अब प्राइस राइज होने की वजह से यहाँ पर दो चीजें होंगी। देखिए जब प्राइस राइज होता है, आप इंडिविजुअली बात कर लीजिए, प्राइस राइज होता है तो डिमांड जो है वो बेसिकली ये प्राइस की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन हम यूज करेंगे वर्ड, तो यहाँ पर डिमांड का कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। और सप्लाई की बात करें तो प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसका, तो ये एक्सपेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है। सो प्राइस राइज हुआ, इट लीड्स टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड फ्रॉम आर टू इवन। अब जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो आर से इवन पर होगा। आप कहेंगे सर इवन पॉइंट कहाँ से आ गया? देखिए बेसिकली जहां पर नया डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व, न्यू मार्केट डिमांड कर्व कट्स द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, उसको हम इवन पॉइंट हमने नाम दिया है। आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन तो पहले ही हो रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम इवन पर आएगा, ये आपको पता है। और यहाँ पर आर से लेके ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ इवन तक, ये आप देख सकते हैं डिमांड आपकी पीछे हो गई है। तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। और राइज इन प्राइस की वजह से एक और चीज होगी, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई फ्रॉम ई टू इवन। जो सप्लाई यहाँ पर ई पर रुकी हुई थी, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज नहीं, एक्सपेंशन हो जाता है बेसिकली। तो ई से लेके इवन तक इसका एक्सपेंशन हो जाएगा और नया पॉइंट आपका आ जाएगा इवन, जहां पर न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा, वेयर न्यू मार्केट डिमांड कर्व D1 इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व SS। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी इवन हियर। इवन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे जो प्राइस है वो पहले से इंक्रीज होकर OP1 हो गया है, और जो क्वांटिटी है जहां पर पहले OQ थी वो भी इंक्रीज होकर OQ1 हो गई है। तो यहां पर क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम जब आया तो इवन पर आपका न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू वन। ये सारी चीजें आपको इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन में समझानी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। जस्ट मैंने आपको कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन समझाने के लिए यहाँ पर फिर से डायग्राम में लेके आया हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, मैं कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन समझा देता हूँ फिर से। ये आर जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो आर पॉइंट है, यहां से जब प्राइस राइज होता है भाई, तो आपके डिमांड का यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होता है, यहाँ D1 से E1 तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई कर्व जो है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, ये जो E से E1 पर जो सप्लाई कर्व पर मूवमेंट हुआ है, अपवर्ड मूवमेंट, दिस अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व। और आपका जो D1 नहीं बोलेंगे इसको, R पॉइंट है, क्योंकि तो R से रिलेट करते हैं, R से लेके E1, अगर मैंने पहले D1 बोला है तो प्लीज करेक्ट मी, R से E1 पर जो, यहाँ से R टू E1 जो ये हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व इसको हम बोलेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए बातें बताई हैं, और इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। केस स्टडी के ऊपर भी इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड करता है कि कभी इनकम को राइज कर रहा हो, कि जो बजट है उसकी वजह से लेट्स से इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स विल इंक्रीज, या जो भी करंट चीजें हो रही हैं इकोनॉमिक्स में उससे रिलेट करके भी आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई जा सकती हैं, गिवन हो सकती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो बहुत अच्छी बात है। आप हमें चाहें तो आप हमें मनोज जांगिर क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप वो डाउट्स कमेंट सेक्शन में अभी के अभी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की, वैसे मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं, रिप्लाई जरूर करता हूं। तो अगर आपका कोई डाउट है आप यहां पर पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट फॉलिंग डिमांड और उसमें क्या सारी चीजें होती हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड यस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे यू पीपल विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।